हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और सीरीज का नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज का फर्स्ट पार्ट आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, मॉडल जो वर्ड है वो मोड से बना है। मोड का अर्थ होता है क्रियाविधि, अर्थात मोडल ऑक्सिलरीज कौन से हैं? मोडल ऑक्सिलरीज वे वर्ब हैं जो वर्ब के साथ मिलकर के मोड प्रकट करती हैं, अर्थात किसी वर्ब की मोड मीन्स होता है क्रियाविधि या ढंग, यानी क्रियाविधि क्रिया की विधि या क्रिया के ढंग को एक्सप्लेन करती हैं, तो उनको हम मोडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कई सारी मोडल ऑक्सिलरीज होती हैं, तो हम वन बाई वन लेकर के चलते हैं। आज जो हम मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके सामने, तो आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे यूज ऑफ कैन कुड। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स कि मॉडल ऑक्सिलरीज मोड एक्सप्लेन करती है, मोड एक्सप्रेस करती है, तो यहाँ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक ही मीनिंग की एक से ज़्यादा मॉडल ऑक्सिलरीज है। अभी जैसे आज हम कैन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, कैन का जो अर्थ है वही अर्थ मे का भी होता है, लेकिन कैन का मोड अलग होता है, मे का मोड अलग होता है। इसी तरह से शुड, मस्ट और ओट टू तीनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन तीनों का मोड अलग अलग होता है। इसलिए जहां हम कैन का यूज़ करेंगे वहां हम मे का यूज़ नहीं कर सकते, और जहां हम मे का यूज़ करते हैं वहां कैन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मोड अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब वे ऑक्सिलरीज जो वर्ब के साथ वर्ब का मोड प्रकट करती हैं, उनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो हम इस सीरीज का आज फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यूज ऑफ कैन कुड। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कैन, पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कैन। तो कैन का अर्थ क्या होता है? कैन का अर्थ होता है सकना। कैन का अर्थ सकना होता है, और इसका यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कैन के साथ किसी भी वर्ब का यूज़ किया जा सकता है, यानी प्रत्येक वर्ब कैन के साथ यूज़ की जा सकती है, और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो कैन जो है इसका अर्थ सकना होता है, और इसका जो यूज़ होता है वो किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। दूसरी बात, जो कैन होता है वो उसके साथ क्या होती है? कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। यदि हम फॉर्मेशन देखें तो किस तरह से हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये भी है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नोट का यूज भी कर सकते हैं, और इसको आप शॉर्ट में कांट भी कह सकते हैं। कैन नोट को शॉर्ट में कांट भी कहा जा सकता है। तो सब्जेक्ट कैन नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सब्जेक्ट फिर कैन, नेगेटिव है तो नोट, और नेगेटिव नहीं है तो कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। यानी कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा, सभी वर्ब के साथ कैन यूज किया जा सकता है, और कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हुआ कैन का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी कर सकते हैं, कैन का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेज में भी कर सकते हैं, और कैन का प्रयोग हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेज यानी क्वेश्चन पूछने के लिए भी, दोनों तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जा सकता है, वाई टाइप क्वेश्चन में भी और टैग टाइप क्वेश्चन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन हुई स्टूडेंट्स आपके सामने, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लगेगी, और उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो जो सबसे पहला आपके पास जो फॉर्मेशन है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन, नेगेटिव है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो अब यदि ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस को, यदि यही इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? यदि वो वाई टाइप क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव वर्ड प्लस कैन, यदि नेगेटिव है तो नोट, सॉरी सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पहले, सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यदि वो
टैग टाइप वाई टाइप क्वेश्चन है तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए यदि वो टैग टाइप क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा, सब्जेक्ट, यदि वो नेगेटिव है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए यदि हम इसका इसी को देखें तो यहाँ क्या होगा, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, ये हो जाएगा। यदि इसको आम सेंड तो यहाँ हो जाएगा, वाई कैन ही नोट स्पीक इन इंग्लिश, और यदि यही टैग टाइप हो तो कैन ही नोट स्पीक इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आप इसका प्रयोग असर्टिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए इंटरोगेटिव जो आपका वाई टाइप क्वेश्चन है उसमें भी किया जा सकता है, और जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो टैग टाइप क्वेश्चन है उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसका आप कैन का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। स्टूडेंट्स देखते हैं एक एक करके कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, किन सर्कमस्टांसिस में, किन परिस्थितियों में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या बताया मैंने कि मोडल ऑक्सिलरी जो होती है वो मोड एक्सप्रेस करती है, तो किस किस मोड में कैन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहले कैन का यूज़ किया जाता है वो एबिलिटी के लिए किया जाता है। एबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, एबिलिटी होती है योग्यता। योग्यता का मतलब जब हमें सब्जेक्ट की एबिलिटी एक्सप्रेस करनी होती है, जब हमें सब्जेक्ट की योग्यता प्रकट करनी होती है तो उस कंडीशन में हम कैन का यूज करते हैं कि सब्जेक्ट इस कार्य को करने में एबल है, उसके अंदर एबिलिटी। अब देखें जैसे हम ये कहें शी कैन ड्राइव द कार, अब देखिए स्टूडेंट्स शी कैन ड्राइव द कार, वो कार ड्राइव कर सकती है, इसका मतलब क्या है उसके अंदर कार को ड्राइव करने की एबिलिटी है। इसी तरह से आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आई के पास एबिलिटी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो स्टूडेंट्स आपका जो इसका फर्स्ट यूज कैन का होता है वो किसके लिए होता है, एबिलिटी के लिए होता है। जब सब्जेक्ट की एबिलिटी एक्सप्रेस करनी होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं, और ध्यान रहे स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जो इसका दूसरा यूज है, एक तो एबिलिटी हो गया, दूसरा यूज इसका कैपेसिटी के लिए होता है। कैपेसिटी का मतलब होता क्षमता, यानी जब कार्य करने की सब्जेक्ट के अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तो वो कैन का यूज किया जाता है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए एग्जांपल के लिए ही कैन हेल्प यू, इसका मतलब क्या हुआ वह कैपेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। ही कैन हेल्प यू, वह आपकी हेल्प करने के कैपेबल है, इट मीन्स ही के अंदर कैपेसिटी है कि वह आपकी हेल्प कर सकता है। इसी तरह से शी कैन सिंग दिस सॉन्ग इजीली, शी कैन सिंग दिस सॉन्ग इजीली, वह आसानी से इस गीत को गा सकती है, यानी इस गीत को गाने की कैपेसिटी उसके अंदर है। तो स्टूडेंट्स यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा शी कैन नॉट सिंग दिस सॉन्ग इजीली, यानी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी है तो शी कैन सिंग दिस सॉन्ग इजीली, कैपेसिटी नहीं है शी कैन नॉट सिंग दिस सॉन्ग इजीली। तो दूसरा जो यूज होता है कैन का वो कैपेसिटी के होता है, जब हम सब्जेक्ट की कैपेसिटी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट की कैपेसिटी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो हम प्रेजेंट में कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पावर,
पावर का मतलब होता है स्टूडेंट्स शक्ति। यानी हम जब सब्जेक्ट की कार्य करने की पावर हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज होता है। जब सब्जेक्ट की हमें पावर को एक्सप्लेन करना है तो पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, इसका मतलब क्या है? इस हैवी बॉक्स को उठाने के लिए पावर चाहिए। और यू कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है कि तुम इस हैवी बॉक्स को उठा सको। और यदि पावर एक्सप्रेस कर दी है तब क्या करेंगे? यू कैन, या हम कह सकते हैं ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि वह इस हैवी बॉक्स को उठा सकता है। और आप यदि हम ये कहें ओनली ही कैन डू दिस हार्ड वर्क, अब देखिए क्या कहा हमने, ओनली ही कैन डू दिस हार्ड वर्क, केवल वही इस मुश्किल कार्य को कर सकता था, कर सकता है, केवल वही इस मुश्किल कार्य को कर सकता है, केवल वही इस कठिन कार्य को कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? उस कठिन कार्य को करने की जो पावर है वो उसी के पास है। तो इसलिए हमने क्या कहा, ओनली ही कैन डू दिस हार्ड वर्क। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, हम पावर यानी शक्ति यदि सब्जेक्ट की एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो शक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए, शक्ति का बखान करने के लिए सब्जेक्ट की, हम कैन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके अलावा एक परमिशन, जो परमिशन इसका नेक्स्ट यूज है वो क्या है स्टूडेंट्स? परमिशन। और परमिशन का मतलब क्या होता है? परमिशन का मतलब होता है अनुमति। तो अनुमति लेने या देने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स यहां ध्यान थोड़ा सा रखेंगे, यहां इक्वलेंट जब होगा तब अनुमति लेने या देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। यदि वो इक्वलेंट है यानी बराबरी का मामला है, क्योंकि कैन के अंदर दृढ़ता की कमी, कैन के अंदर दृढ़ता होती है, कैन के अंदर दृढ़ता होती है और पोलाइटनेस का अभाव होता है, इसलिए यदि हम कैन का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं तो वो इक्वलेंट है, यानी परमिशन जिससे ली जा रही वो, और जो परमिशन जिससे मांगी जा रही वो, जो परमिशन मांगी जा रही है, जो परमिशन मांग रहा है, जो परमिशन दे रहा है और जिसको परमिशन दी जा रही है, वो दोनों यदि इक्वलेंट है तो फिर हम परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं, चूंकि कैन के अंदर दृढ़ता होती है। तो इस तरह से परमिशन के लिए, अब देखें जैसे कैन आई यूज योर पेन रवि, अब देखिए दो फ्रेंड है, वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो आपस में एक दूसरे से परमिशन, अब रवि उसका फ्रेंड है जो स्पीकर है, वो उससे पूछ रहा है कैन आई यूज योर पेन रवि, कि रवि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब रवि और उसके फ्रेंड दोनों इक्वलेंट है तो वो आपस में परमिशन लेने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ ये भी हो सकता है, कैन आई रिटर्न योर पेन टुमारो, अब यहाँ भी ये परमिशन मांग रहा है, अब यहाँ भी परमिशन किससे मांग रहा है? इक्विवेलेंट से मांग रहा है। तो कैन आई रिटर्न योर पेन टुमारो, क्या मैं आपका पेन कल लौटा दूँ? तो परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, परमिशन के लिए जो हम कैन का यूज करते हैं वो तब परमिशन के लिए क्या आता है, जब दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, यानी जो परमिशन मांग रहा है और जिससे परमिशन मांग रहा है, यदि दोनों इक्विवेलेंट हैं तो तब हम कैन का यूज करते हैं, चूँकि कैन के अंदर दृढ़ता होती है और विनम्रता का अभाव होता है, पोलाइटनेस की कमी होती है। लास्ट स्टूडेंट्स, कैन का यूज हम प्रोहिबिशन के लिए करते हैं। प्रोहिबिशन के लिए, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन मीन्स होता है निषेध, यानी जहाँ किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोहिबिशन कहते हैं, जब किसी कार्य को किसी स्थान पर करना निषेध होता है, परमिशन नहीं होती, मना होता है किसी काम को करना। यदि किसी स्थान पर किसी कार्य को करने की मनाही होती है तो उस स्थान पर हम कैन का यूज करके और उसको प्रोहिबिशन का भाव प्रकट करते हैं। जैसे
यहाँ देखिए, यू कैन नॉट ड्रिंक हेयर, आप यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकते। इसको कैन नॉट को कांट भी कर सकते थे, आप शॉर्ट में कर सकते हैं कांट। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, कैन नॉट एक वर्ड होता है, कैन नॉट एक वर्ड होता है और उसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है, कांट होता है। तो कैन नॉट एक वर्ड है और उसका यूज हम शॉर्ट में क्या करते हैं, कांट के रूप में करते हैं। तो कैन नॉट एक वर्ड है ना कि दो वर्ड है, तो कैन नॉट एक वर्ड होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म कांट होता है। तो यू कैन नॉट ड्रिंक हेयर, आप इसी को कह सकते हैं यू कांट ड्रिंक हेयर। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ ड्रिंक करने का प्रोहिबिशन है, उस स्थान पर ड्रिंक करने की मनाही है। तो प्रोहिबिशन का भाव प्रकट करने के लिए आप कैन का प्रयोग कर, और चूंकि प्रोहिबिशन जहाँ भी होती है, जहाँ भी होती है वो निषेधाज्ञा होती है, और निषेधाज्ञा का मतलब सेंटेंस नेगेटिव होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में हम कैन के साथ नोट हमेशा लगाते हैं, तो कांट का प्रयोग करते हैं। तो यू कांट स्मोक हेयर, तुम यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते। यू कांट पेस्ट पोस्टर ऑन दिस वॉल, आप इस दीवार पर पोस्टर नहीं चिपका सकते। यू कांट स्पिट हेयर, तुम स्थान पर नहीं थूक सकते। तो यू कांट पार्क योर बाइक हेयर, तुम अपनी बाइक यहाँ पार्क नहीं कर सकते। यानी जिस स्थान पर किसी कार्य को करने की मनाही होती है उसके लिए हम प्रोहिबिशन कहते हैं और हम कैन का यूज़ करते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि कैन के अंदर दृढ़ता होती है, और प्रोहिबिशन जब ही होगी जब दृढ़ता होगी। यदि आप किसी से पोलाइटली कहेंगे प्लीज़, यदि प्लीज़ करके आप कहेंगे प्लीज़ यू कैन नोट, यू मे नोट, तो वो फिर प्रोहिबिशन नहीं हुई। या प्लीज़ डोंट ड्रिंक हेयर, तो ये प्रोहिबिशन नहीं हुई, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप याचना कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे। अब रिक्वेस्ट करने का मतलब वो माने या ना माने, रिक्वेस्ट का मतलब ये हुआ, उसके अंदर पोलाइटनेस आ गई। लेकिन कैन का मतलब दृढ़ता है, आपने सख्ती से कह दिया नो यू कांट ड्रिंक हेयर, नहीं तुम यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकती, यहाँ प्रोहिबिशन है या मनाही है। आप यू कांट पार्क योर कार हेयर, तुम अपनी कार यहाँ खड़ा नहीं कर सकते, ये कानून है, नियम है या निषेधाज्ञा है। तो निषेधाज्ञा के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं और इसके अंदर दृढ़ता होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका कैन का यूज़ हुआ। कैन का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी के लिए, कैन का यूज़ हम करते हैं कैपेसिटी के लिए, कैन का हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, और कैन का यूज़ हम करते हैं प्रोहिबिशन के लिए, और कैन का यूज़ पावर के लिए भी किया जाता है जब हम सब्जेक्ट की पावर को एक्सप्रेस करते हैं। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, कैन का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेज में किया जा सकता है। कैन नोट एक वर्ड है, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो कांट होती है। तो ये रहा आपके सामने स्टूडेंट्स कैन। अब हम देखते हैं कुड। कुड की यदि हम बात करते हैं तो कुड का जो अर्थ होता है वो सका होता है स्टूडेंट्स। सका मीन्स पास्ट। तो कैन का जो पास्ट होता है, कैन का पास्ट क्या होता है, वो कुड होता है। इसका अर्थ सका या सकता था, और इसका प्रयोग जो है हम ये कह सकते हैं ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है। तो कैन की पास्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कुड कहते हैं। और स्टूडेंट्स कुड का प्रयोग भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस के साथ किया जा सकता है, और कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स बात क्या है कि कुड नोट दो अलग अलग शब्द है। ये एक शब्द था कैन नोट, इसकी संक्षिप्त फॉर्म कांट थी, और कुड नोट अलग अलग दो शब्द हैं, और इनकी जो संक्षिप्त फॉर्म है वो भी क्या होती है, कुडंट होती है। क्या होती है, कुडंट होती है। तो कुड नोट दो अलग अलग वर्ड होते हैं, दोनों का संक्षिप्त रूप कुडंट होता है, और कुडंट का प्रयोग भी हम किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। तो कुड के साथ भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और कुड का प्रयोग भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी। तो क्या इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सब्जेक्ट फिर कुड, यदि सेंटेंस नेगेटिव है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप, और यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो क्या आ जाएगा, फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन उसके साथ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स चूंकि कुड कैन की सेकेंड फॉर्म है, या हम कहें कि कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, तो इसलिए जहाँ जहाँ पर हमने कैन का यूज किया है वहाँ वहाँ पर पास्ट सेंस के लिए हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम एबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ही कैन ड्राइव द कार,
तो क्या हो जाएगा, ही कुड ड्राइव द कार, वो ड्राइव कर सकता था। तो पास्ट के लिए आप कुड, प्रेजेंट के लिए आप कैन। यदि हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी में क्या आ जाएगा कि प्रेजेंट में हमने क्या किया था, ही कैन हेल्प यू, पास्ट में क्या हो जाएगा, ही कुड हेल्प यू। यदि हम इसकी बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ही कुड लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। तो यानी पास्ट में कुड का यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम कैपेसिटी की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, और हम यदि परमिशन की बात करते हैं, तो परमिशन को हम छोड़ें अभी, और यदि हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन में भी हम पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। अब यहाँ कुड का जो एक स्पेशल यूज है स्टूडेंट्स, वो देखना है। वैसे कुड यू क्या होता है, पास्ट में यूज होता है। हम जैसे मैंने कहा ही कुड हेल्प यू, इसी तरह से शी कुड सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हम जहां जहां हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में, वहां वहां हम पास्ट में कुड का यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, कुड के साथ यदि हैव आ जाता है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे इस तरह से शी कुड हैव हेल्प्ड यू। अब ध्यान दीजिए, शी कुड हैव हेल्प्ड यू, वह तुम्हारी सहायता कर सकती थी। यहां कुड के साथ हैव का प्रयोग तब होगा जब किसी कार्य को किया जा सकता था और वो किया नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां ये था शी कुड सिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गा सकती थी, यानी उसकी एबिलिटी थी। और यदि हम यहाँ कहें कि शी कुड हैव संग ए सॉन्ग, कि वह गीत गा तो सकती थी लेकिन उसने गाया नहीं। यहाँ शी कुड हैव हेल्प्ड यू, कि वह तुम्हारी सहायता कर तो सकती थी लेकिन उसने की नहीं। या हम ये कहें कि ऐसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए कुड के साथ हैव का यूज किया जाता है जो पास्ट में हो सकते थे लेकिन किसी कारण से या जैसे भी थे वो हो नहीं पाए, तो हम कुड के साथ हैव और हैव के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुड का जो एक स्पेशल यूज होता है, चूंकि कुड पास्ट फॉर्म है कैन की, लेकिन कुड का यूज प्रेजेंट फॉर्म में भी, प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। और वो क्या होता है, वो होता है जब आप प्रेजेंट में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। और सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप होता है, और ध्यान दीजिए कुड का यूज करने से सेंटेंस में इतनी पोलाइटनेस आ जाती है कि फिर सेंटेंस में हमें प्लीज का यूज करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यदि हम ये कहें कुड यू लैंड मी RS 2000, अब देखिए सेंटेंस क्या है, कुड यू लैंड मी RS 2000, क्या आप मुझे 2000 रुपये उधार दे सकते हो, क्या आप मुझे 2000 रुपये उधार दे सकते हैं। जबकि कुड क्या होता है, पास्ट, तो होना तो क्या चाहिए, क्या तुम मुझे 2000 रुपये उधार दे सकते थे, ये होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट है। और देखिए मैंने क्या कहा था, पोलाइट रिक्वेस्ट में, अब पोलाइट रिक्वेस्ट देखने में सेंटेंस कैसा लग रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस ही जब हम उनको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं ना, जब हम नरेशन की बात करेंगे तब इस तरह के सेंटेंस कन्फ्यूज करते हैं कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के रूल्स पे एप्लीकेबल करने चाहिए, या इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह से इंपेरेटिव के रूल्स इसमें अप्लाई करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि कुड का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कम और पोलाइट रिक्वेस्ट ज़्यादा है। मैंने क्या कहा कि कुड के अंदर इतनी पोलाइटनेस होती है कि इसके साथ प्लीज़, अब यदि आप ये कहेंगे कुड यू लैंड मी ₹2000 प्लीज़, तो प्लीज़ अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं आप, चूंकि प्लीज़ की आवश्यकता ही सेंटेंस में नहीं है। और वो क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटेंस ये अपने आप में बहुत सारी पोलाइटनेस लिए होता है। इसी तरह से यदि हम देखें कुड यू फेवर मी इन दिस केस, अब देखिए क्या कहा,
कुड यू फेवर मी इन दिस केस, क्या आप इस केस में मेरा फेवर कर सकते हो? तो प्रेजेंट में रिक्वेस्ट हो रही है, यूज किया गया किसका जा रहा, कुड का, जबकि कुड क्या होता है, कुड होता है कैन का पास्ट और उसका यूज हमेशा पास्ट में किया जाता है। तो ये कुड का एक स्पेशल यूज है कि कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, और कुड के अंदर इतनी पोलाइटनेस होती है कि वो प्लीज अपने साथ लेने की उसको आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके सामने मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट फर्स्ट। इसकी पूरी सीरीज चलेगी, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आता चलेगा। आज हमने आपके सामने पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया है और कैन और कुड का यूज़ कराया। सेकंड पार्ट में इसके दूसरे मॉडल्स का लेकर के हम आपके सामने आएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि पूर्ण रूप से आपको समझ आ सके। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिले, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और मेरे जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। चूँकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का लाभ उठाएँ, इनका फ़ायदा उठाएँ और अपनी स्टडी कम्प्लीट करें, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज का कराया, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 10th 12th दोनों के लिए है। बेसिक तो निश्चित रूप से सभी किसी भी प्रकार की इंग्लिश, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी मॉडल ऑक्सिलरीज कई बार पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।